أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. میرے دل میں ہے یاد محمد میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد میں غلام غلامان احمد میں سکے آستان محمد میں جی آصف بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور مزید پروسیڈنگز کے لیے سب سے پہلے میں آن بیہاف آف ڈپٹی کمشنر چکوال کیپٹن عبدالستار اسادی ان کے بیہاف پر میں کمشنر راول پنڈی ڈویژن اور آر ٹی او صاحب راول پنڈی ڈویژن ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں چکوال اس ڈسٹرکٹ میں تشریف لائے ہیں شہر میں تشریف لائے ہیں اور ان کو میں ویلکم بھی کرتا ہوں. سر پروگرام کی پروسیڈنگ فردر کو اس طرح سے ہے کہ اس وقت ہمارے پاس خوش قسمتی ہے چکوال کی بھی صحت کی بھی اس وقت آج ہے خوش قسمتی ہے سارے افسران کی ہے کہ آر ٹی او صاحب اور کمشنر صاحب یہاں پر تشریف فرمایا ہمارے پاس.
तो इस मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए खुली कचहरी का इनकार किया गया और ये कोशिश की गई है कि इन दो जो सरबराहान है हमारी डिवीजन के मौजूदगी में ज्यादा से ज्यादा जितने भी लोगों के मसायल है इस जगह पर हुकूमत पंजाब की जो एक पॉलिसी है जो गाइडेंस है कि रोड स्टेप पर जाकर लोगों को इंसाफ और सहूलियात मुहैया करनी है तो सर इस वक्त हमारे हमारे जिले सरबराहान जो डिपार्टमेंट थी वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं और तरीका का प्रोसीडिंग्स का इस तरह से होगा कि एक बाइक इस वक्त नीचे मौजूद है जो भी कोई जो इधर हमारे बहुत शहरी कोई भी सवाल पूछना चाहे या वैसे कोई सवाल पूछना चाहे तो वो हाथ खड़ा करेंगे उसी वक्त बाइक उनके पास चला जाएगा वो अपना ब्रीफ सुना जनाबे कमिश्नर अवर पेंडिंग जनाबे आरटीओ साहब अवर पेंडिंग आपको चकवाल खुश आमदेद कहते हैं। मेरा नाम चौधरी इमरान कैसर अब्बास है, न्यू न्यूज से मेरा तलक है, बानी चेयरमैन उन्हें तहसील प्रेस क्लब चकवाल। आरटीओ साहब सबसे पहले तो खुशी का काम ये है कि सबका दो चार छः माह से यहाँ पे आरटीओ कमिश्नर लेवल के अफसरान की खुली कचहरी मुनक़द ना हो सकी जो आपने मुनक़द करके यहाँ के मसाइल हल करने में मुझे कभी उम्मीद है कि भरपूर उसमें आप अपना एक काम करेंगे। आरटीओ साहब दो तीन क्वेश्चन छोटे छोटे हैं आपके जो पुलिस डिपार्टमेंट के मुतल्लिक हैं। एक तो ये है कि चकवाल में ट्रैफिक वार्डन जो है ट्रैफिक स्टाफ जो है वो तकरीबन 150 अफराद पर मुश्तमिल है लेकिन चकवाल क्योंकि मनी से बहुत करीब है रावलपिंडी के बहुत करीब है तो जो ट्रैफिक स्टाफ है मेहरबानी होगी आपकी कि उनको अदायात सादा फरमाएं चकवाल करेंगे। दूसरा सर मेरा तलक प्रेस से है, इससे पहले मैंने जनाब वजीर आजम साहब के पोर्टल पे एक एप्लीकेशन भी भिजवाई कि चकवाल में बहुत ज़्यादा जैली प्रेस की प्लेट्स PMLN PTI अदलिया इंतजामिया दीगर ऐसी प्लेटें लगी हुई हैं प्रेस प्लेटें नई प्लेटें जो अक्सर डिपार्टमेंट की नहीं हैं उसके बावजूद वो सारा शहर में आपके मुख्तलिफ रोडों पर घूमती नज़र आती हैं। उस हवाले से ट्रैफिक की कारकर्दगी जो है वो सवालिया निशान है। तीसरा जो यहाँ पे सबसे अहम मसला है वो ये है कि मैंने इससे पहले एक एप्लीकेशन भी पुट की थी कि आपके फ्रंट डेस्क बहुत अच्छे हैं थानों में बनाए गए हैं एक अच्छे यूनियन के साथ बनाए गए हैं। चले अब थाना सिटी मॉडल थाना बन चुका है जिसका दो दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने वीडियो लिंक के जरिए इफ्तिताह किया है लेकिन जो दूसरे थाने जैसे आप हमारा डुमन थाना है उसकी अगर हालत ज़ात देखी जाए तो मेरा ख्याल है वहाँ पर इंसानों का रहना तो दूर की बात है वो इतना ही उसकी हालत ख़राब है कि जो बताई नहीं जा सकती पानी तक का वहाँ मसला है। इसी तरह आपका कलरकात थाना है ये जो ये भी आवाम की मैं समझता हूँ कि सहूलत के लिए बेहतर होने चाहिए और फ्रंट डेस्क जो हैं वहाँ पर प्रॉपर एक आपकी तरफ से अदायात आनी चाहिए कि जो आदमी जाए वो फ्रंट डेस्क पर दरख्वास्त जमा करवाए। फ्रंट डेस्क पर दरख्वास्त जो जमा होती है उसका कुछ ना कुछ अमल दरामद हो जाता है आपके मरद साहबान या आपके ड्यूटी अफसरान या वो जो दरख्वास्त होती है किसी बादशाह के खिलाफ वो उसको गायब कर देते हैं और जो किसी गरीब आदमी के खिलाफ होती है एक मिनट में नफरी वाले वहाँ पर उसको थाने बनाने के लिए पहुँच जाते हैं। इस किस्म के इकदाम जो है ये वक्त की जरूरत है, उम्मीद है कि आप इन पर जो मुनासिब इकदाम हैं वो सादर फरमाएंगे। जनाब कमिश्नर रावलपिंडी साहब से मेरा एक छोटा सा सवाल है कि यहाँ पे कमिश्नर साहब हमारी बहुत प्यारी तहसील ऑफिस है चकवाल में ना, तो उस तहसील ऑफिस के ऊपर बहुत अच्छी छत पड़ी है खाली पड़ी है वहाँ पर मैंने सिचुएशन भिजवाई थी कि वहाँ पे अगर सारे छोटे छोटे कमरे तामीर कर दिए जाएँ पटवारखाने बना दिए जाएँ जो पटवारखाने मुख्तलिफ मैं समझता हूँ कि इमारतों में हैं और वहाँ पे पटवारी साहबान बैठते नहीं अगर बैठें तो मैं समझता हूँ कि जो खवातीन हैं या वहाँ पे जाना मुनासिब नहीं समझती क्योंकि वो प्राइवेट मकाम हैं ना जी। एक डिप्टी कमिश्नर साहब ने और असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने चकवाल शहर का सबसे बड़ा जो पटवारखाना है उसको एक यहाँ पे सरकारी अराजी को गुजार करवा के वहाँ पे कायम कर दिया है जो शहरियों के लिए बहुत बड़ा उसका अफजा और बड़ा अच्छा इकदाम है
तो इस किस्म के जो दीगर पटवारखाने हैं जो मुख्तलिफ प्राइवेट इमारत में हैं उनको तहसील के ऊपर अगर कमरे कंस्ट्रक्शन करके दे दिए जाए और एक जगह पवन किए जाए, वहीं ए सी साहब हों, वहीं तहसीलदार साहब हों, वहीं नायब तहसीलदार साहब हों, तो मेरा ख्याल है बहुत बेहतर है जी। Thank you.
मुअज्जज सामीन यहाँ पर मौजूद हैं और जो मीडिया के भी हमारे साफी भाई यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सवालात थोड़े से ब्रीफ जो भी पूछना है स्पेसिफिकली पूछना है, और उसके बाद ये कि अगर एक चीज़ पहले बात कर दी गई है तो बरए मेहरबानी फरमा कर उसको दोबारा रिपीट ना करें। अभी कोई भी हमारे जो मुअज्जज चाहिए कोई सवाल पूछना चाहे हाथ खड़ा करेंगे उस माइक की बात हो जाएगी। एसी साहब के पास पहले की अगर प्रॉब्लम्स मुझे आया तो एसी साहब ने मेरिट पे डिसीजन किया और साथ मुझे कहा कि इफ़ यू नीड पुलिस सपोर्ट यू कैन टेक इट रिटर्न, तो पुलिस के पास चले गए, इतनी ज़्यादा फेवर नहीं मिली। डीपीओ साहब के पास गए, डीपीओ साहब ने मेंशन किया वो जो थे सब इंस्पेक्टर साहब, दोबारा उनके पास गए, टाइम उनके पास नहीं था, जो भी प्रॉब्लम था मैं दोबारा डीपीओ ऑफिस में गया। डीपीओ ऑफिस में जब पहुँचा तो जो सब इंस्पेक्टर या हवलदार थे उन्होंने कहा क्या बात, हमने कहा कि ये बात है यार वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो उन्होंने उस मुहर्रर को कॉल की, मुहर्रर से मेरी बात करवाई, कहा कि आज शाम को आपकी बात हो जाएगी तो आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। शाम को भी कोई ऐसा सीन नहीं हुआ। तो सर थोड़ी सी फेवर चाहिए, 100% मेरिट में कमज़ोर हैं वो जो हमारे अपोनेंट जो मुखालिफ हैं वो प्रोफेशनली बदमाश वगैरह सिस्टम के पुलिस को सारा पता है, तो उसमें काइंडली स्पेशल फेवर चाहिए। ये काफ़ी इश्यूज जैसे जमीन से रिलेटेड हैं और कब्जों से, तो जनरल में डी सी ओ और डी पी ओ ने ये शुरू किया है कि हर हफ्ते हर तहसील में डी एस पी और असिस्टेंट कमिश्नर को टाइम मालूम होगा, जो साइनिंग है जिनको इश्यूज हैं वो उस पर चले जाएंगे, पुलिस वाले बैठा होगा स्टेशन पर रेवेन्यू वाले ऑफिसर बैठे होंगे आपको मसल हल कर, ये मैं उसको नोट कर मेरे को बुला आपका मसला नोट कर लिए सब नोट कर लिए। और दूसरी सर एक चीज पर पूछ गुजार आपको कर सर आपकी मौजूदगी में, ये जिस कमेटी का सर आपने जिक्र किया है इसका नाम है सर रेवेन्यू पुलिस कमेटी, सर ये इनिशियली सर चकवाल से स्टार्ट की गई थी, सर मेरा नाम मोहम्मद खान आकिन है सर, सेक्रेटरी जनरल चकवाल प्रेस क्लब। सर गुजारिश ये है कि ये दुरुस्त है हुकूमत की तरफ से और हुकूमत पंजाब की तरफ से बिलखसूस ये एक सिलसिला पूरी कचहरियों का जारी गुजारी है, खुशाइंद है, अच्छी बात है, लोग अपने मसाइल पेश करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ किसी ज़िले में कोई मसला जब उठता है या पेश होता है तो उसका उस मसले का हल डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी चकवाल ही होते हैं, तो मैं ये समझता हूँ आपकी आमद का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए जनाबे वाला आरपीओ साहब हमारे ज़िला चकवाल के नज़दीक अटक है और दूसरे जेलम है, इन दोनों अजला से हमारी पुलिस नफरी कम है सर, अगर वार्ड का मुआयना किया जाए शहर के हवाले से तो एक कांस्टेबल भी हमारे हिस्से में नहीं आता, जब नफरी नहीं होगी तो फिर क्राइम कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है। बाहर मैं ये समझता हूँ कि पुलिस की अपनी हिम्मत है कि मौजूद वसाइल के बावजूद बेहतरीन और ऐसे तरीके से इंतजाम जो है वो चलता है। जहाँ तक थानों की हालत है उसमें जनाबे वाला थानों का पुरानी बिल्डिंगें हैं, मैं ये समझता हूँ कि सबसे मंदूम जो है पुलिस का स्टेबल और थानेदार और हेड कांस्टेबल है, अगर अच्छी खासी बारिश हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि उनमें से छत नीचे गिरे और एक भी बंदा बच सके, तो इसमें चकवाल की जो थाने हैं डुमन है नीला है और उस तरह हमारे कई यात्री हमने देखा है गुजार बड़ा अच्छा थाना बनाया है और इस तरह के जो थाने हैं उनको फौरी तौर पर फंड मुहैया किए जाएँ और हुकूमत से मुतालबा किया जाए कि थाने जो है उन फौरी तौर पर उसे नए लागू किए जाएँ, और जनाबे वाला नफरी जो है वो आपके इख्तियार की बात है, वैसे पता चला है कि नई भर्तियाँ भी हो रही हैं और भर्तियाँ बाकी दीगर महकमों में जिस तरह आसानियाँ शनाख्ती कार्ड और उस तरह और डोमिसाइल बनाने में वो हमारी दरखास्त पे बड़ा अभी आसान तरीका जो है भर्तियाँ भी जब जनाब पता ऐसे चलता है कि किसी जनरल को भर्ती कर देना कोई बोर्ड आ गए ही इधर से चले गए उधर आ गए, बेहतर ये है कि कोई अच्छे जवान मिले उनको भर्ती कर लिया जाए ताकि क्राइम
करचौ थाने में थानों में जो नया निजाम आया है और मॉडल थाने बन रहे हैं दर हकीकत पुलिस उनके 24 घंटे आवाम की खादम और मुलाजिम है तो जो थाने बन रहे हैं उनमें भी मजीद फुर्सत दी जाए ताकि अच्छे तरीके से वैसे तो हम नवाजन पुलिस वाटा अस्पताल और उसकी कोई भी बात करें तो एक आवाम में एक इनके खिलाफ एक लावा जो है वो पका होता है बाहर निकल के वाटा के खिलाफ बात करें तो खा खा बंदे इकट्ठे हो जाएंगे और जी वाटा मुर्दाबाद पुलिस मुर्दाबाद असल मैदान हकीकत जरूरत के समर की है कि तय तक पहुंचा जाए और वजह क्या है कि इनके खिलाफ मतलब क्यों बात होती है हालांकि उसमें हकीकत का कोई ताल्लुक नहीं होता तो मेरी दरखास्त ये है कि कोई मसला भी हो उसे बारीकी से देखा जाए और रवायती दरखास्त गुजारों को उनको डिस्कस किया जाए और जो खाम खा एक मतलब है अपना नमूदो नुमाए जिस तरह आज फतेह खान साहब पता नहीं बीमार है मुरीद के वो आते थे वो आते हैं कोई एक दरखास्त रख लो ये ना होगा कि फतेह खान आया तो दरखास्त है तो इसका भी इतदारक जरूर होना चाहिए कि रवायती दरखास्त गुजारों का भी किला घुमा और दबाव तमाम महकमे अब कमिश्नर साहब हैं आप मौजूद हैं इनको फ्री हैंड दिया जाए इनको फ्री हैंड दिया जाए ताकि काम करें और आवाम की खिदमत करें एक बंदा उठ के आता है वो एएसपी के पास पेश हो जाएगा बंदा डीपीओ के पास जी क्या बनेगा साडा वो सर मेहरबानी करें और सारा पीली से जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक रवायती औरतें हैं जो फांस है वो दरखास्त उठा के कभी डीपीओ के पास कभी एएसपी के पास उसको देखना चाहिए कि ये औरत कौन है और किसी शरीफ आदमी के खिलाफ क्यों दरखास्त दे रही है जुनाबे वाला मेरी सदा होगी मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ और 26 साल से जिला चकवाल के अवाम की खिदमत कर रहा हूँ और जितने पुलिस अफसर हैं और सिविल इंतजामिया के बड़े अफसर हैं आज भी मेरा रबता है और उनसे शनासाई है और मुझे पता है कि किस तरह मसायल हल होता है मेहरबानी फरमा के बस यही मेरी दरख्वास्त है जो मैंने आज कहा शुक्रिया आपका मैं फिर गुजारिश करूँगा हमारे जितने भी सामीन यहाँ पर मौजूद हैं उसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे पास कमिश्नर साहब ने शिकल है मैं आरबीओ साहब ने शिकल है सवाल कीजिए सवाल लिमिटेड थोड़ा सा कंसाइज छोटा बिस्मिल्लाह रब्बिल शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सफीउद्दीन सफी कहते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर और रोजनामा नवाबाद लाहौर से चीफ एडिटर हूँ सफी नामा चकवाल और सदर हूँ आलमी अदब अकादमी मैं गुजारिश करूँगा सबसे पहले मेरी शिकायत है ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ चकवाल में टोटल 3 ट्रैफिक सिग्नल हैं जो कि इस वक्त काम नहीं कर रहे और उन पर मौजूद ट्रैफिक स्टाफ वहाँ बराबर बड़ी तादाद में मौजूद होता है लेकिन उनको ज़रा भी तकलीफ नहीं होती कि वो ट्रैफिक हाथ के इशारे से कंट्रोल करें और जब मुंह के आगे एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर जाके पूछते हैं कि वो है तो अब जनाब उनको चाहिए कि वो ट्रैफिक कंट्रोल करने के अहकाम सादर फरमाए जाए दूसरा मेरी शिकायत है सरकारी महकमों के खिलाफ कि पेट्रोल की मद में उनको एक डायरिया दे दी गई है एक चिट्ठी दे दी गई है और वो जो टोकन वो बने हुए हैं वो अपनी जाती गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हुए मैंने बचस्प खुद देखा है कि वो अपनी जाती गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हैं जाती गाड़ियों का नाजायज इस्तेमाल करते हैं घरों तक ले जाते हैं रात को गाड़ियां अपने घरों में खड़ी करते हैं और मरे हुए बंदे की बात नहीं करनी चाहिए बहुत बुरी बात है अभी हमारे सीओ एजुकेशन की डेथ हुई है एक्सीडेंट में और सरकारी गाड़ी में वो रात को 1 बजे भेरा में एक्सीडेंट हुआ है वो सरगोधा जा रहे थे या मंडी भावदीन जा रहे थे तो मैं माजरत के साथ ये चाहूंगा कि रियासत मदीना है तो इसको रियासत मदीना का या नाम ना दिया जाए या फिर वही असूल अपनाए जाए जो मदीना वालों के थे अभी ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसके बारे में बात करूंगा कि डीपीओ ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस का अमला इंतहाई ज्यादादारी से बहुत अच्छा वर्क कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है खलूस से काम कर रहा है
लेकिन वहां पर एक मसला ये है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो लाहौर से प्रिंट होकर आ रही है। वाय चकवाल जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, शहीदों गाजियों मुजाहिदों का जिला है, चार चार छः छः महीने के बाद लाइसेंस आते हैं और आवाम को इतना इंतजार क्यों कराया जा रहा है एक प्रिंटिंग मशीन के लिए। तो बरए करम ये कमिश्नर साहब और आप जो आर पी ओ साहब जो है पुलिस है, ये मसला जो है इसको बारीकबीनी से देखकर हल करवाया जाए। एक्साइज ऑफिस है, एक्साइज ऑफिस का वर्क भी ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो प्लेटें हैं, नंबर प्लेट्स हैं, वो अरसा दराज से दो दो साल से नहीं आई हैं मोटरसाइकिलों की। और ये ना, और आखिरी जो मसला है वो भी मसला नहीं है बल्कि वो बहुत दीना और पुराना मसला है। जितने सरकारी दफातर हैं वहाँ पे जाए तो असरान मौजूद नहीं मिलते, आवाम को बहुत परेशानी का सामना होता है, आवाम ढूंढती रहती है, लेकिन जिम्मेदार छोटा स्टाफ बाकायदगी के साथ मौजूद होता है, लेकिन बड़े अफसरान लाहौर लाहौर मीटिंग के नाम पर, रावलपिंडी मीटिंग के नाम पर, डीसी साहब के मीटिंग के नाम पर ये वहाँ जरा गायब होते हैं। तो मेरी इस्तदार है कि ये जो खसूस जुम्मा और सोमवार के दिन, जुम्मा वाले दिन वो अपने घरों में चले जाते हैं और छोटे स्टाफ से पूछो तो वो कहते हैं जी साहब मीटिंग पर गए हैं, जी लाहौर गए हैं, पिशौर गए हैं साहब, और या डीसी साहब की मीटिंग में गए हैं। ये सर इस पे थोड़ा सा गौर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी, आपके जितने पॉइंट्स उनको नोट कर लिया गया है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद सलीम अख्तर, मैं 18 साल से सरबरा नंबरदार रहा हूँ। अभी उनको नंबरदारी जरूरत थी, बाकी बात यह है कि डीसी साहब हमारे डीपीओ साहब ये दो जब से आदमी आए चकवाल में ऑफिसर, इतना सुकून है, इतना सुकून है। तो ये पूछते करते हैं, हर आदमी की ये बात सुनते हैं, डीपीओ का क्या काम है जिसको एसपी कहते थे डीपीओ साहब, वो रात को भी मैंने देखा कि चक्कर रौन लगा रहे हैं। चकवाल में जब से ये आए हैं चोरी तो कम हो गई है, सरकारियाँ भी काम हो गई हैं और अच्छा काम हो रहा है, और महकमा के ऑफिसर भी अच्छे हैं, एसी साहब भी अच्छे हैं, समझ आ गई, तो अच्छे काम हो रहे हैं। मेरा ना कोई पुत्र है वो पुलिस में, ना कोई को मेरा भाई है महकमा माल में, मैं एक खुदा रहा आपसे बात कर रहा हूँ। जो दो आदमी हैं ना डीपू साहब और हमारे डीसी साहब, बहुत प्यारे आदमी हैं, मैं उनको कई दफा देखा है, वो जो भी आदमी उनके पास गया है उन्होंने मुखलिस के पास, मैं जब नंबरदार था तो ये वोट हुए इसके तरीके साहब के, थाना वाले ने मुझे कहा है कि भाई कांस्टेबल है दे दो नंबरदार साहब, मैंने उनको तकरीबन 100 कांस्टेबल दी थी और 50-60 बंदा दिया था जो कि एक दिन की ड्यूटी में वहाँ शामिल था। तो उनकी पेमेंट का मसला आया गया, मैं डीपू साहब के पास चला गया, मैंने कहा सर मेरा दरवाजा ये खड़का रहे हैं तो इनको तो 500 रुपया बनता है। बोले डीपू साहब जिंदाबाद बने हैं, अगर इन्होंने मेरी बात भी सुनी है और अला जानता मैं डीपू साहब को अभी भी देखूँ तो पहचान नहीं सकता, समझ आ गए। तो उन्होंने मतलब ये है पैसे कड़े ना जितने भी तशरीफ रखते जो तशरीफ लैके आए, मेरी गुजारिश दोबारा जी उसमत खुली कचहरी का जरा इनकार कराया गया, दो मकसद ने, एक तो यह कि सारे साढ़े अफसर इतने मौजूद ने,
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਦਿਹਾੜੇ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੱਧ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ, ਸਿਰਫ ਨਿੱਕਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਦੇ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਦਿਹਾੜੇ ਫਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਜੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਜੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਲਓ ਬੈਠੇ ਪਿੱਛੇ। السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تو پہلے دن چکوال میں کھلی کچہری کا اسٹارٹ لیا گیا، ڈی پی او صاحب، ڈی سی صاحب اور ڈی پی او صاحب نے ایک میسج نوٹ کرایا ہے جدہ ایکشن آج تک نہیں ہوا۔ جس وقت میں مجبور ہو گیا، میں چاہے غلام بھی، میں نہ مرید نہ مردار، سر میں ایک ریکویسٹ کی تھی جی کہ مرید کا جڑا رقبہ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਾਣੀ ਖਾਈ ਡੈਮ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੂਰੇ ਚਕਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪੈ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੀ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਅਗੋ ਮੇਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰੀਦ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੰਨ 76 ਇਕਵਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹਲਾਂ ਤੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੁਰੀਦੀ ਵਾਂਝ ਬਣਦੇ, ਦਾਣੇ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੁਰੀਦੀ ਵਾਂਝ ਬਣਦੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਰੀਦੀ ਵਾਂਝ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬਣਾਇਓ, ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤਰਕਿਆਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਦੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਲੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਸ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਬਜ਼ੁਲ ਵਸੂਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਇੰਤਕਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੇ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਫਾਇਲਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫਾਇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 22 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨੈਬ ਕਾਸਤ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਅਤੇ ਜੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਹੀ ਕਰਵਾ ਵਜ਼ੀਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਾਲਤ ਕਰ ਲਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਗਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੇਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੇਂ ਰਿਟ ਉਨਕੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਜਬ
डेटे खारिज होगी तो अब ये कब्जा माफी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और उनके खिलाफ रिकवरी होनी चाहिए। तहसील चौक में थे और हॉस्पिटल रोड पे थे, डनकॉन प्लाजा था उसमें और बहुत सारी जगह है, ये रोड पे जगह पड़ी है, ये सब कब्जा माफिया के बहुत बड़े लोग हैं, ठीक है, और इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है सर? आप तशरीफ रखिए, आपका पॉइंट नोट कर लिया गया, उसके बाद बताते हैं। सर मेन नाम है चकवात नेर रोड का इशू की। सर हमारे मोहल्ले से एक बड़ा नाला गुजर रहा है, 18 फुट की टोटल गली है और उसमें से 5 फुट का नाला है, ये तस्वीरें मेरे पास मौजूद है, और ऊपर से दो सीवरेज लाइनें छोड़ के कुछ लोग जो बल्दिया के मुलाजम हैं उन्होंने अपनी ज़मीनों को वो गंदा पानी लगाया हुआ है और वो उन्होंने सीवरेज लाइनें बंद करके उस नाले में पानी डाला हुआ है और वो बारिशों की वजह से करके वो नाला ज़्यादातर बंद रहता है और जो मोहल्ले वाले भी हैं वो ज़्यादातर कूड़ा करकट उसे नाले में फेंकते हैं और साथ ढेर भी लगाए हुए हैं, ये तस्वीरें सब मौजूद हैं। बल्दी एम ए वालों को मुतअद्दिद दफ़ा दरख्वास्तें दे चुकी हैं लेकिन उनका एक ही जवाब होता है कि हमारे पास फंड नहीं है। सर अपनी मदद आपके तहत करने की कोशिश की है तो वो रोक लेते हैं, उधर तकरीबन 25 से 30 घर हैं और सब लोग जब बारिश होती है तो 3-3 फुट उधर पानी खड़ा हो जाता है, बजाय इसके वो पानी सीवरेज लाइन में जाए वो पानी उन्होंने गलियों में छोड़ा हुआ है और हमारे घरों के अंदर छोड़ा हुआ है। सबको बार बार दरख्वास्त देने के बावजूद आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आप ये दरख्वास्त भी दे दीजिए, डी साहब ने आपको पॉइंट नोट कर लिया, जवाब देते हैं। चाचा अस्सलाम वालेकुम सर, पहले आपको वेलकम कहते हैं, मोहम्मद अमीन नाम है, सुबह साफ़ से तलक है, मेरा सवाल कमिश्नर साहब से है। सर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे जिला चकवाल में, खास करके हमारे पख्तून भाइयों के साथ, कि पहले मेरी फैमिली में से किसी एक फर्द का शादी कार्ड को ब्लॉक किया गया, जब उसका आइन पास हुआ असम्बली से पार्लियामेंट से तो इसके अंदर डी सी साहब की कमेटी बनाई गई हर जिले में, तो डी सी साहब ने इंटेलिजेंस में मिलकर उसकी वेरिफिकेशन की और उस कार्ड को क्लियर किया गया, लेकिन सर इशू ये आ रहा है कि जब हम पासपोर्ट बनवाने जाते हैं चाहे उम्र के लिए जाना हो या वो बाहर हमारे के लिए जाना हो तो वो अलग से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हमारा मुतालबा ये है कि जब पासपोर्ट बनने से हमारी ये गुजारिश होती है बार बार कि नादरा ने हमारी वेरिफिकेशन कर दी है, आप उनसे जेकर डेटा ले लें हमारा, अगर नादरा कहती है कि यार इसकी वेरिफिकेशन हुई है तो पासपोर्ट का काम बनता है कि हमारे पासपोर्ट को बना के दें, तो सर ये 4-5 महीने हमारे साथ ज्यादतियाँ करते हैं, हमारा मौका यही होता है कि अगर हमारा कार्ड नादरा ने क्लियर नहीं किया तो आप बेशक हमारा पासपोर्ट ना बनाए, जब नादरा ने क्लियर कर लिया है तो उनको ये मजाज नहीं बनता कि वो हमारे काम को लटकाए रखे, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पख्तूनों के साथ ये ज्यादती हो रही है और किसी से ज्यादती नहीं हो रही है, तो बड़ा मेहरबानी से थोड़ी सी मेहरबानी करें।
ساجد محمود، ساجد محمود اچھا یہ جو گینگ ہے نا، یہ آپ آ جائیں اور اس کے ڈی پی او کے آفس میں ابھی آ جائیں، ٹھیک ہے؟ میں ادھر جا آپ کو میں سن لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ حاجی سعید، حاجی سعید احمد، ہاں آپ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں سعید، آپ بیٹھ جائیں، آپ ڈی پی او آفس چلے جائیں، میں ادھر آ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ڈی پی او آفس چلے جائیں، آپ کا کیس پنڈی سے ہے، اس پر ہم نے کام شروع کیا، آپ ادھر چلے جائیں۔ پولیس سے ریلیٹڈ اور کوئی ایشو کسی کا؟ یہ آپ لوگوں نے ٹریفک کی بات کی ہے، میں ڈی جی او سے اور ڈی سی صاحب بھی ادھر بیٹھے ہیں، ہم ٹریفک سگنلس کی کوشش کرنے کے اسٹارٹ کر رہے ہیں، ٹینڈر ہو گیا تو ان شاء اللہ یہ ٹریفک کا جو دو تین چوک ہیں وہاں تو بڑے رش ہے، وہاں سڑک بڑے مشکل سے آپ کو روٹ کر لیتی ہے، اتنی زیادہ ٹریفک ہے، سو دیٹ از این ایشو، اس کو جینوئن ایشو ہے، اس کو نیکسٹ ٹائم ہماری جب وہ ہوگی اس سے پہلے یہ ہو جائے گا۔ جی آ جائیں، آ جائیں، سر میرا نام راجا محمود ہے،
बच्चों चलाता हूँ। दसवीं वालों को दस गुज़श्ता दसवीं वालों को मैं ड्राइव वाले स्कीम से सात सवारियाँ लेकर जा रहा था बिस्मिल्लाह टेंट सर्विस वालों की दुकान पर। एक लक्ष्य सोहेल वाल सोहेल नाम है उसका, उसने मेरे साथ आमादा फसाद बिलावजा हो गया और मुझे थप्पड़ मारे तो मेरे लक्ष्य छीन लिया। मैं थाना सिटी में दरख्वास्त ऑनलाइन कराई, साकब रशीद साहब के पास दरख्वास्त दी गई और चार बजे वो गाड़ी लेकर मुझे भी बिठाया और वो चौक पर वो शरबत तकसीम कर रहा था। उस दिन दसवीं भरू था और उससे रक्षा बाजियाब कराया तो उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि कानूनी तौर पर वो गिरफ्तार हो सकता था। उसके खिलाफ फिर मैंने डीपीओ दस्तूर साहब के पास एक उस दिन डीपीओ साहब नहीं बैठे हुए थे तो वो सेल में दरखास्त दी, वो तफ्तीश तब्दील कराई। बिलावल इंस्पेक्टर साहब इंस्पेक्टर जो है थाना सिटी वाले उनके पास गया और बार बार जाता रहा लेकिन अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। जब भी रोड पर वो मजदूरी करने से मुझे रोकता है और जनाब मुझसे बिला बजा ये इल्ज़ाम आयद करता है कि तुमने मेरी रिक्शे के साथ टक्कर मारी, जबकि मैं मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी बना हुआ है बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी टाइम लैके आए जनाब और मौका सानू दा शिकायत करन दा। जनाब गुजारिश है, मेरा नाम मलिक मोहम्मद यूसुफ है जी, महला निशाद कॉलोनी अवाम कॉलोनी मेरा घर है जी, मेरा महला है जी। महला निशाद कॉलोनी सुबह 5:30 बजे को लैके रात 11 बजे तक सुई गैस नहीं होंगी जनाब, बिल्कुल लोड शेडिंग है, बिल्कुल चूल्हा सारा दिन चलते ही नहीं। बच्चे वास्ते घर वास्ते साढ़े वास्ते बड़ी परेशानी बनी जी, ना हानी वोटी हो सकती ना कुछ हो सकता है, बहुत तकलीफ है। ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਜਨਾਬ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ, ਸੁਬਹ 5:30 ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਿ ਬੰਗੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲੀਆਂ ਜਨਾਬ ਅੱਟੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੋੜ ਜਾਣ ਦਾ ਗੰਦ ਜਨਾਬ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ, ਜਨਾਬ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਡੇਲੀ ਵੇਜਸ ਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਕਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੋ ਜਨਾਬ ਦਾ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਜੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਜੀ? ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਹਿਰ ਰਸੂਲ ਹੈ। DCO ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲੋਂ ਕੋ ਕੇ ਲੀਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋ ਕਹੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲੋਂ ਮੇਂ ਆਜ ਕਲ ਸੁਬਹ 9 ਸੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ, ਬੱਚੇ ਠੰਡ ਮੇਂ ਹੋਤੇ ਹੈ ਔਰ ਅੰਧੇਰੇ ਮੇਂ ਬੈਠੇ ਰਹਤੇ ਹੈ। ਕਮ ਅਜ ਕਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੀਸੇ ਤੋ ਰਹਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਨਕੋ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਰਦੀ ਮੇਂ ਜੋ ਠੰਡੇ ਰਹਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਤਾਂ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਏ ਜਾਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 70% ਹਮਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਗਾਓਂ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲਗਾ ਦੀ ਹੈ ਚਕਵਾਲ ਸੇ, ਕਮ ਅਜ ਕਮ ਚਕਵਾਲ ਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਨਵਰ ਵੇਚਣੇ ਆਤੇ ਹੈ ਜੋ ਖਰੀਦੇ ਹੈ ਹੋਤੇ ਹੈ ਉਨਕੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋ ਔਰ ਉਨਕਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਮ ਹੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਅਸਾਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰਾਜੀ ਸੈਂਟਰ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਪੇ ਏਕ ਜੋ ਸਟਾਫ ਕਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ ਵੋ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਵਹਾਂ ਪੇ ਗੁੱਸਾ ਰਹਤੇ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਕਈ ਦਫਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੂੰ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਹੋਤਾ ਹੈ ਉਸਕਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਬੈਠਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਫਾਰਮ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਯਹਾਂ ਆਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਸੇ ਲੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਮੇਂ ਜਮਾ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਯਹਾਂ ਤੋ ਯੇ ਵਹਾਂ ਪੇ ਬੈਠੇ ਯਾ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਕੇ ਸਾਥ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਾਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਸੇ ਜੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ।
जी कोई और साहिबाद जी जो मौजूद शहरी यहाँ पर मौजूद है अगर वो कोई सवाल पूछना चाहे और जो हमारे भाई जो ऊपर गैलरी में तशरीफ फरमाए हैं जो बैठे हुए गैलरी में अगर उनमें से कोई सवाल पूछना चाहे तो माइक इधर अवेलेबल है जी सवाल पूछ सकते हैं सबसे पहले तो यहाँ आने वाले सारे मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जो प्रेस के यहाँ पे भाई आए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया को कवर करने आए आपके जितने भी इश्यूज आप लोगों ने यहाँ पे गोश गुजार किए वो सारे मैंने नोट किए और जिस तरह से सबसे पहले भाई ने यहाँ पे डिस्कस किया नंबर प्लेस के हवाले से नंबर प्लेस के हवाले से आपके साथ ने ऑलरेडी जैसी साहबा को इंस्ट्रक्शन दे दी क्योंकि साहबा भी यहाँ पे बैठी है उनको मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी कि आपने इनके ऊपर प्रॉपर क्रैकडाउन करना है जो स्पेसिफिक जो ऑफिशियल नंबर प्लेट्स हैं सिर्फ उनको इंश्योर करें बाकी जितनी फैंसी नंबर प्लेट्स लगी हुई या जो उन्होंने लगाई हुई है कि ये प्रेस है ये कैद है बाकी जजेस हैं जो जो इस तरह के कैप्शन लगे हुए उनके ऊपर आप और जन मुझे गाइडें देखी कि हमारे जो तहसील ऑफिस है उसके ऊपर हम अपने दरवाजों के ऑफिस बनवाए तो मैं आपको ये बताता चाहूँ कि हमने बाकी तहसीलों में भी अपने असिस्टेंट कमिश्नर हैं उन सबको मैंने इंस्ट्रक्शन दी है कि हमारे पास जगह जहाँ पे सरकारी राजी जहाँ जहाँ पे हमारे पास कोई गवर्नमेंट की लेन अवेलेबल है तो वहाँ पर आप एड्रेस के ऊपर या किसी मुगई अखराज या किसी तरह से जब इंफॉर्मेशन आती है तो हम उसको प्रॉपर उनके ऑफिस वहाँ पर बनवाएंगे और थोड़े ही दिनों में आपको पता चल जाएगा हम उस पर काम होना शुरू हो गया ट्रैफिक सिग्नल की बात हुई है उसके ऊपर मैं आपको बताऊँ कि हमारे ट्रैफिक सिग्नल उसको हम ऑलरेडी हम रिपेयर के लिए उसकी बातचीत में करती है हम और विदिन टू वीक्स में इंशा अल्लाह हम उसको रिस्टोर करने के लिए और हमने कॉन्ट्रैक्ट उसका आयोजन किया हुआ है ट्रैफिक के साथ मिलकर जिसके साथ हम उसका सूचन कर रहे हैं यहाँ पे एक मैंने एक मरीज गाँव के हवाले से एक इशू तय किया था आप सबको मालूम है कि वहाँ पर बेस्ट जनम काफ़ी अच्छे से बना हुआ है फिर वहाँ पर बाकी इंस्टीट्यूशन भी बन गए पिछले दिनों वहाँ पे स्टेट जेल के लिए वो जगह प्रपोज की गई और वो मेरे आने से पहले उसका सेक्टर फोर भी हो गया तो इन शाला यू सी के उसके ऊपर फ्यूचर में भी उसी तरीके से काम होगा जिससे पहले हुआ डी एल सी का जो इशू था हमारे दोस्त ने यहाँ पर अप्लाई किया तो मुझे इसका बिल्कुल अंदाज़ा है पहले उसकी मीटिंग्स की फ्रीक्वेंसी बड़ी डिले होती थी हमने यहाँ पर अभी मैंने सी जी साहब से कहा हुआ है हर महीने हम उसकी मीटिंग करते हैं और हम उसमें इंश्योर करते हैं कि जो नादरा की रिपोर्ट्स हैं वो पहले आए ताकि जो लोग आते हैं उनके जो आई डी कार्ड के इशू हैं हम उसको टाइमली उसको सॉल्व करें जो हमारे बाकी एजेंसीज का जो इनपुट होता है वो भी हम ऑन साइट पे यूज़ करते हैं हमारे जो आपने बात की वो मैंने प्ले किया और वो मैं इंशाल्लाह हम उसके मिनट्स निकालेंगे तो सेंड इट टू द पासपोर्ट ऑफिस कि जब यहाँ से हम आपका आई डी कार्ड अगर अनब्लॉक करते हैं तो इसका मतलब है फिर उसको कोई इशू होना नहीं चाहिए और जब आप जाते हैं पासपोर्ट बनवाने तो वहाँ पर आपको दोबारा उस वेरीफिकेशन प्रोसेस से गुजरना चाहिए क्योंकि इसी वजह से ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ये कमेटीज़ बनी थी कि आप लोगों को आई डी कार्ड ओपन हो जाए तो फिर आपको सारी चीज़ें वो उसके साथ नहीं होती वो वो हम उसमें उनको इंशाल्लाह ऑफिशियल कमेंट कैट ठीक है जो क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड की बात की सोचते हुए मैं आपको बताऊँ कि दो दिन पहले भी मेरे पास आए थे और हमें पता है इस चीज़ का कि उसमें एक इशू है आपका एक जगह हमने एयर मार्क करके भेजने की वो फिजिकल दिखी थी उसका कुछ इशू थे और इस हिसाब को नॉलेज में है और इन शाला कल मैं उस जगह का विजिट कर रहा हूँ जो हमने नई जगह प्रपोज की है और ये मेरा वादा कि आपको जब जब तक गवर्नमेंट उसकी नोटिफिकेशन करे हम उससे पहले आपको जगह ले देंगे ताकि आपके जितने भी अगर कुछ लोग बहुत होते हैं तो वहाँ पर उनकी तरफीन की जाए स्विगेस्ट का इशू यहाँ पर एक दोस्त ने प्ले किया स्विगेस्ट का इशू जो है उसकी जो लोड शेडिंग है वो पूरे मुल्क में उसकी प्रॉब्लम लेकर आ रही है चकवाल में भी उस तरीके से आ रही है मुझे बिल्कुल नॉलेज में है यहाँ पर काफ़ी लोगों की मुझे पर्सनल कंप्लेंट्स भी आती हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी आती है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी स्विगेस्ट के जितने सीनियर ऑफिसर उनके साथ मैंने परसों की एक मीटिंग प्लान की हुई है ताकि उनके साथ बैठ के एक हम उसका टाइम टेबल बनाएं और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहे हैं कि आप लोगों को पता हो किस इलाके में किस टाइम पर स्विगेस्ट की लोड शेडिंग होगी या उसके प्रेशर की कोई प्रॉब्लम आगे ताकि आप लोगों को पता हो उसके ऊपर कोई अपनी अल्टरनेट अरेंजमेंट्स कर लें प्राइवेट स्कूल्स के जो इश्यूज हैं उस पर आपको अगर पता हो तो हमने जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है पहले उसकी मीटिंग्स नहीं होती थी अभी हम उसकी फोर्थ नाइट की मीटिंग में खुद शेयर कर रहा और पिछले एक दो महीने के अंदर हमने काफ़ी प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन कैंसिल की
कि वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे थे। फिर अभी जो सर्दियों की छुट्टियाँ आ रही, कुछ स्कूलों ने इसकी वायलेशन की, हमने उन स्कूलों को सील किया और स्कूलों को उनके रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल किए, उनके ऊपर लाख लाख रुपये जुर्माने भी किए। उसके ऊपर हम ऑलरेडी बड़ा फोकस किया, स्पेशली जो फीसें ज़्यादा लेते हैं उनको मैं खुद चेक करता हूँ उनके ऊपर फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है। अगर हैं तो फिर हमें आपको फॉलो करते हैं कि आप अपनी फीसें, वरना मैं उनकी फीसें भी उतनी ज़्यादा नहीं ले देता, उनकी फीसें भी रिड्यूस करता हूँ। तो ये वाला पार्ट भी हम इंश्योर करेंगे कि वहाँ पर UPSs होने चाहिए, वहाँ पर इंटरनेट जो सप्लाई का अरेंजमेंट वो हो, ताकि आपके बच्चे अगर वहाँ पर स्कूल जाते हैं तो उनको तकलीफ ना हो। केटल मंडी का इशू है, वो हम ऑलरेडी पहले शहर में थी, उसकी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी और लोगों की प्रॉब्लम्स की वजह से हमने बड़े मुश्किल से उसको शहर से बाहर निकाला है। अगर किसी को वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं, मैं उसको हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक दफ़ा शहर से बाहर चली गया, हम उसको दोबारा शहर तक नहीं ले आएंगे। अगर हम जितनी बाकी जो मंडियाँ हैं, जो फ्रूट की और वेजिटेबल मंडियाँ हैं, हम उसके ऊपर भी काम करें और विद इन वीक्स इंशाल्लाह हम उनको भी शहर से बाहर निकाल रहे हैं, ताकि हमारा जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो बेहतर हो और जो सफाई का निज़ाम शहर का वो बेहतर हो, लोग सफर ना करें। तो बाकी जो सफाई के हवाले से कुछ चीज़ें थी वो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर कंप्लेंट शुरू की, कुछ रिसोर्सेज का इश्यूज था वो हम अपने रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। वही पैसा जो हम आप लोगों से जो टैक्स की कलेक्शन में या रेवेन्यू कलेक्शन में हम लेंगे, आपने देखा काफ़ी बिल्डिंग्स पहले लक्ष्य नहीं जमा कराते थे, अभी विद इन 5-6 महीने में हमने लाखों के हिसाब से हमने लोगों से रिकवरियाँ की हैं। तो वही पैसा हमारा इरादा है कि हम शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए और इसकी क्लीननेस के ऊपर लगाएंगे। तो आपको आप तो ये बताते जाए कि आपके जितने इश्यूज होते हैं ये सिर्फ यहाँ पे कार्रवाई करते हैं तो नहीं होते, यहाँ पे मेरे पूरे ऑफिसर्स की टीम है जो उसको नोट करती है, उसके ऊपर प्रॉपर फीडबैक होता है। कुछ इश्यूज होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, उनमें प्रोसीजर डिले होता है या कुछ कोर्ट केसेस होते हैं, उस वजह से हमारे प्रोसेस में सोल्यूशन उसका नहीं होता। अदरवाइज जो समय डिस्पोजल वाले होते हैं वो इमीजिएटली हम कर रहे होते हैं। तो मैं इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हुए आपको कहूँगा कि आप इस पर हमेशा जब भी हमारे पूरी कचहरी हमें इसमें आप सपोर्ट किया करें, हमें बताया करें, हमें जितने प्रॉब्लम्स हैं हमें उससे आगाही दिया करें, ताकि हम इसके ऊपर भरपूर से भरपूर तरीके से इसके ऊपर फॉलो करें। आखिर में मैं मिस्टर साहब से आपके साथ रिक्वेस्ट करूँगा इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, आपके साथ शादी को शादा करेंगे और आपके जो भी जाने से उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया शुरू तमाम चकवार के शहरियों का, चकवार के शौक का, मीडिया का, चकवार के दर्शकों का, हमारे जो अफसरान है गवर्नमेंट।
कि गवर्नमेंट का एटीट्यूड पब्लिक के साथ पॉजिटिव होना चाहिए और सपोर्टिव होना चाहिए। सो हमें पब्लिक को जो है वो सपोर्ट करना है, उनकी वेलफेयर उनको वो देखना है, और इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं होती। इसके लिए सिर्फ माइंड सेट चाहिए, जिस जो ऐसा माइंड सेट जो लोगों को फैसिलिटेट करे और सपोर्ट करे, उस सिलसिले में हमने आगे चलते हैं। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। हम यहाँ पर आपके साथ और मैं हम हर हफ्ते एक ज़िले में ज़रूर जाते हैं, और महीने में हम पूरे डिवीजन का राउंड लगाते हैं, जहाँ थानों का, साइट्स का, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का विजिट, लोगों से, प्रेस से मुलाकात, टू मेक श्योर कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ये लोग काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज और प्रायोरिटीज के ऊपर 100% जो है वो अमल दरामद हो रहा है। मैं आखिर में थोड़ी सी एक मैसेज छोड़ना चाहता हूँ, एंड दिस इज प्राइमरली फॉर माई ओन एडमिनिस्ट्रेशन, के हम जो भी काम करें वो अपनी ट्रू सिंसेरिटी के साथ करें, ठीक है, और कोशिश पूरी करनी चाहिए और नजर आनी चाहिए। सो अगर मैं रिक्वेस्ट करूँ तो मुझे बताइए कि आज इस हाल में मीडिया के कितने लोग बैठे हैं, जरा हाथ खड़ा करें। ओके, कितने लोग हैं जो सरकारी मुलाजमीन है, हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स, और इवन छोटा तबका भी हाथ खड़ा करें, कोई नायब कासिज वगैरह है, क्लर्क वगैरह, वो भी हाथ खड़ा करें। ठीक, अब जो जनरल पब्लिक है उसका मैं हाथ खड़ा नहीं करवा रहा, आई लिव इन द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल्सो पुलिस टू असेस कि खुली कचहरी का मकसद क्या था, किन लोगों से हम रब्ता करना चाहते हैं और क्या वाकई उनसे हम रब्ता कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो जो स्पिरिट है चीज़ों की उसको हम जरूर रखें, और चीज़ों को सरकारी ड्यूटी समझ के ना करें, हम जनरली डेमोस्ट्रेट करें कि हम वाकई लोगों के मसाइल करना चाहते, और लोगों के करना चाहते हैं, सिर्फ हाजिरी नहीं लगाना चाहते कि जी कमिश्नर साहब आए थे तो खुली कचहरी होगी, बात ये नहीं है, बात यह है कि उसमें कितने लोगों के जनरल मसाइल को हल किया, ये बात। सो एक दफा फिर आप सबका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए, और आप लोगों से आइंदा भी आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह रहा। थैंक यू वेरी मच।